जम्मू कश्मीर में जो हुआ असेंबली डिसॉल्व हुई और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राम माधव राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया, फिर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर नहीं। देखिए, ये जो माहौल पैदा हुआ कश्मीर में, इसकी राज जिम्मेदारी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती पीडीपी पर आती है। आपने फारूक अब्दुल्ला का इलेक्शन करवाया, कितने लोगों ने वोट डाला भैया? 6,000-7,000 लोगों ने वोट से भी कम वोट डाले। म्यूनसिपल इलेक्शन होता है, वार्ड में किसी वार्ड में 4 वोट, किसी वार्ड में 10 वोट, किसी वार्ड में 15 वोट। हाँ, तो आपने ये माहौल पैदा कर दिया। पीएचडी लड़के हथियार उठा रहे हैं, नौजवान बच्चे हथियार उठा रहे हैं, एलिनेशन बढ़ता जा रहा है, आपको कई कई दिन तो इंटरनेट बंद करके रखना पड़ता। तो आपने नॉर्मलसी रेस्टोर करने के लिए कोई किया ही नहीं। अगर आज वहाँ पर आग लगी हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तो बीजेपी और पीडीपी पर आती है। जब आप म्यूनसिपल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मगर आप गवर्नमेंट बनाने तैयार हो जाते हैं, और गवर्नर का तो काम ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसका पासो लिहाज रखते हुए वो देखते हैं किसके पास नंबर्स है नहीं है, मगर उन्होंने फैसला ले लिया। अब फैसला ले लिया तो ठीक है, फिर आप इलेक्शन करवाइए।